अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। हमारा राष्ट्र शिक्षित भी हो और स्वस्थ भी हो, और हमारी संस्कृति का, हमारी आस्था का, हमारे विश्वास का, हमारे संकल्प का, हमारे लक्ष्य का, हमारे उद्देश्य का कोई पूरा कर सकता है तो योग कर सकता है। इसी भाव को लेकर हमारे राज के गौरव, देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के कर्मठ जुझारू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अभी प्रेरणादायी उद्बोधन मुख्यमंत्री जी का हुआ। मैंने कहा था कि हमारे मंच पर कि मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए क्योंकि माँ चामुंडा की नगरी में जहाँ पर कोई भी पवित्र काम करो वहाँ का नेतृत्व एक बेटी करती है महापौर के रूप में, एक सांसद जी मायन जी करते हैं, और संगठन में खंडेलवाल जी क्यों का जिला पंचायत बेरू जी का है। मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, वर्षा भी हो गई है जिसकी आवश्यकता है, क्योंकि अधिक वर्षा हो तो यह जल संसाधन मंत्री को चिंता होती है, कम वर्षा हो तो भी चिंतित होना पड़ता है। मैं वाकई में कृतज्ञ हूँ ईश्वर जी का, क्योंकि पूरे लगातार पूरे मानसून ऐसे आता रहे कि मेरा राष्ट्र जो मेरे अन्नदाता हैं उनको उसी प्रकार से जो आने वाली फसल है वो अच्छी से अच्छी हो। मैं पूरे संगठन का, सांसद जी का, महापौर जी का, और हमारे कांगे जिला प्रशासन का, और सबसे ज्यादा आभार कृतज्ञ मैं आप सबका, क्योंकि आप नहीं आते ये संपन्न नहीं होता। बहुत बहुत बधाई, आभार, धन्यवाद। अभी आपने हमें प्रेरित किया है, मुझे पूरा स्मरण है, कोई भी पवित्र काम करो तो हल्दी कंकू और चंदन के साथ टीका लगाओ तो चावल का बिना अधूरा है। ये पवित्र काम, ये संस्कृति और आस्था का देश है। मैं फिर से योगा दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। आपसे यही अनुरोध करता हूँ, ये हमारे राष्ट्र का संकल्प है, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री सदैव नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, और ये हमारे मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प है। मैं सोचता हूँ कि यह संकल्प पूरे राष्ट्र का है, पूरे मध्य प्रदेश का है, हम सबका संकल्प है। आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। स्क्वायर फीट पर यदि बरसात में बहता है तो वो 1.5 लाख लीटर पानी अब ट्यूबवेल के हवाले यहाँ की जनता करेगी, और उसके लिए लगातार हर जगह पर ये प्रयास जारी है जिला प्रशासन की ओर से, नगर पालिक निगम प्रशासन की ओर से। तो आपका आशीर्वाद चाहिए इस दिशा में। शिक्षित भी हो और स्वस्थ भी हो, और हमारी संस्कृति का, हमारी आस्था का, हमारे विश्वास का, हमारे संकल्प का, हमारे लक्ष्य का, हमारे उद्देश्य का कोई पूरा कर सकता है तो योग कर सकता है। इसी भाव को लेकर हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के कर्मठ जुझारू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अभी प्रेरणादायी उद्बोधन मुख्यमंत्री जी का हुआ। मैंने कहा था कि हमारे मंच पर कि मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए क्योंकि माँ चामुंडा की नगरी हमारे बीच श्री राजेश जी बैरागी जी। समस्त तीनों का जोरदार तालियों के माध्यम से और मंत्र जी का यहाँ पर स्वागत। उत्साह के लिए जयकारा होना बहुत आवश्यक है, तो क्या बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बोलो वीर हनुमान जी महाराज की, खेड़ापति सरकार की, खेड़ापति सरकार की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, वंदे वंदे। योग यही सिखाता है। अब योग क्या सिखाता है, आज जिस स्थान पर हम कर रहे हैं ये ओवर ब्रिज हो चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई से नहीं आएगा, इसलिए हमें सदैव क्या हम सबके कहाँ है गुप्ता जी, डीएम साहब कहाँ है, पूरे सम्मानीय अधिकारीगण, देवास का माल जी ने अभी कुछ बताया था, कुछ क्षण पहले शायद बताया होगा या मेरे सामने ने समक्ष बताया था, तो हमें हो नहीं सकता, वो जो सोचेगा वो सब कुछ होगा, तो इसलिए
हम संचालन नहीं कर रहे, संचालन करने वाला वो है, इसलिए कहिएगा पूरी आनंद चेतना के साथ क्या, जहां ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लो, जिनके पैर नहीं रख सकते वो हाथ ही कर ले। तो बड़ी बात ये है कि कुछ नहीं हो तो कुछ तो कर ही सकते, जितना करोगे उतना ही लाभ मिलेगा। शिक्षित भी हो और स्वस्थ भी हो, और हमारी संस्कृति का, हमारी आस्था का, हमारे विश्वास का, हमारे संकल्प का, हमारे लक्ष्य का, हमारे उद्देश्य का कोई पूरा कर सकता है तो योग कर सकता है। इसी भाव को लेकर हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के कर्मठ जुझारू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अभी प्रेरणादायी उद्बोधन मुख्यमंत्री जी का हुआ। मैंने कहा था कि हमारे मंच पर कि मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए क्योंकि माँ चामुंडा की नगरी जीवन ऐसे आराम से, एक दो ऐसे आराम आराम से, ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। देखो योग की कितनी, और एक बार जोर से हंस लो, नीचे तो बैठना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा बैठना पड़ेगा, अब फिर धीरे धीरे उठा कर लाएंगे, बाई तरफ करेंगे, ऐसे हमें दो दो बार करना है, इससे हमारा रक्त संचार से ही हो जाएगा। इसके पश्चात आपके भीतर उष्मा के अपने आत्म चेतना के साथ योग को करते चले, श्वास को गहरी गहरी भरते चले, श्वास गहरी जब तुम्हारे शरीर के भीतर जाएगी तो निश्चय ही अधिक लोग सुई की तरह घुमा लीजिए दो दो बार, ऐसे आनंद के साथ प्रभु की प्रार्थना करते हो भगवान को, जब तक आप, अब आपको आनंद आएगा क्योंकि आप यदि देखेंगे तो पूरा हलचल होता हुआ दिखाई देगा, पूरे आनंद के साथ भगवान की प्रार्थना के साथ, क्या जहां नाथ रखे लोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रखे लोगे वही मैं रहूंगा। फिर एक पंक्ति, इस पंक्ति को दोहराओगे तो आनंद मिलेगा, लंबी लंबी श्वासें भर लो, शरीर को पूरा नष्ट करने की तरफ हम स्वयं लेकर जा रहे हैं। यदि हम भोजन का परिवर्तन कर ले तो निश्चय, अभी जैसे माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि मोटा अनाज खाना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, तो समस्त हमारे देश के जो लीडर है वो भी आज वही इच्छा है। जिन लोगों को उक्त रक्तचाप है वो लोग थोड़ा धीमे करें, गतिशील ना हो, मध्य में लेकर आ जाइए, फिर हमको गर्दन को दाहिनी तरफ लेकर जाना धीमे धीमे, बहुत आनंद के साथ, बहुत उत्साह के साथ, बहुत चेतना के साथ। और एक बात विशेष ध्यान रखना कि जीवन में कभी भय और आलस्य में नहीं रहना, चलो धीरे धीरे हमें बाई तरफ लेकर जाना है, आनंद के रूप को करते चले, श्वास को गहरी गहरी भरते चले, श्वास गहरी जब तुम्हारे शरीर के भीतर जाएगी तो निश्चय ही आनंद के अनुभव रक्त संचार से ही हो जाएगा। इसके पश्चात आपके भीतर उष्मा कैसे लाई जाए, पहुंचे हैं आप ब्रिज पर और योग का अनूठा कार्यक्रम आयोजित, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री की ओर से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं, और अन्य संवर्धन योजना चालू की उसके लिए भी आप सबको बधाई और शुभकामना। तेज बारिश के बीच भी योग हुआ और जो कार्यक्रम था वो प्रभावित नहीं हुआ, जो आपने भी योग किया क्या कहेंगे आप, जानते कोई भी पवित्र काम करो अमृतता बरसना जरूरी, इस बात का प्रतक है, ये देश का संकल्प नहीं पूरे विश्व का संकल्प योग दिवस बन गया है, और इसकी प्रेरणा देने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री परम सम्मान नरेंद्र मोदी जी हैं, और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं।